हमारे सामाजिक समरसता के भाव थे, इसमें कौन विभेद ढाला है, कौन वातावरण को बदला, बिहार के बढ़ते हुए गति को किसने रोका। बिहार के लोग पलायन नहीं करते थे, बाहर से लोग बिहार में आते थे। बिहार के नौजवानों के पास एक बेहतर वातावरण था, इंडस्ट्रियल माहौल था, प्रगति का, कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे थे। लेकिन जब 90 के दशक में जातीय उन्माद पैदा कर करके लोगों ने लड़ाने का खेल खेला है, सत्ता प्राप्ति के लिए सामाजिक ताना बाना को तोड़ा है, तब से जो हमारी गिरावट शुरू हुई वो गिरावट 15 साल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। यहाँ तक कि नहीं कि बिहार में ही जो बिहारी बाहर रहते थे वो भी लज्जित हो रहे थे यहाँ के राजनेताओं के कर्म से, उनके नौटंकीबाजी से। आज बिहार के अंदर बदलाव की जरूरत है, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के बदलाव के लिए आपका जनादेश 2005 में आया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी को, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, कहे थे सुशासन स्थापित करो, और 2005 से 10 तक उन्होंने सुशासन स्थापित किया। बिहार के अंदर फिर से सामाजिक समरसता का भाव बढ़ा, विकास की गति बढ़ी। जो चरवाहा विद्यालय खोलकर समाज को अनपढ़ रखना चाहते थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार ने मिलकर करके आज सारे टेक्निकल कॉलेज हर जिले के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, पारा मेडिकल हो, एएनएम जीएनएम कॉलेज, आईटीआई हो, ये बिहार की प्रगति का, हमारी शिक्षा मंत्री बैठे हैं, ये गति बढ़ी है, ये उपलब्धि है एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार के अंदर आज नियुक्ति की प्रक्रिया सतत चलते रही, उस नियुक्ति की प्रक्रिया में आज कुछ लोग नारा लगवा रहे हैं, बता रहे हैं 17 महीना बनाम 17 साल। तो जरा ये भी बता दें कि वो 17 महीना में आपके जिम्मे जो जो विभाग था, पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, ज्यादा समय वही बीतता था, उस पथ निर्माण के अंदर एक भी नियुक्ति क्यों नहीं हुआ। पांचों विभाग के अंदर आपके माध्यम से जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, दो दो बार पूर्व उप मुख्यमंत्री बनने का उनको अवसर भी मिला है, लेकिन एक भी मिशन, एक भी विजन आपका क्यों दिखाई नहीं पड़ा। और जिस शिक्षा विभाग की बहाली की बात कर रहे हैं, उस विभाग के अंदर आपके मंत्री तो रामचरितमानस पर प्रवचन कर रहे थे, वो तो शिक्षा विभाग के अंदर जा भी नहीं रहे थे, नियुक्ति के फाइल पर हस्ताक्षर तक नहीं किए, और उसका श्रेय लेने के लिए आप किस तरह से भ्रम और झूठा वातावरण बना रहे हैं। ये नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाले, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाले लोग हैं, ये जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके चार्टर्ड विमान पर बैठ कर करके बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। जनता का ये सेवक नहीं, ये जनता के साथ छल प्रपंच और सत्ता की लोलुपता में जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, इनसे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर पर कहा कि देश में जो मां भारती का संतान है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसका उत्थान उसका कल्याण हमारा ध्येय है, और 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। एक तरफ 140 करोड़ जनता एनडीए का परिवार है, और दूसरी तरफ इनके परिवार के बारे में पूर्व की वक्ताओं ने बता दिया कि कैसे अपने परिवार के लिए ही चिंतित रहते हैं, ये अपने समाज के लिए भी चिंतित नहीं रहते हैं। आज अपने जाति और समाज के लिए श्रीमान लालू प्रसाद यादव चिंता करते तो इनका हनुमान कहलाने वाले माननीय राम कृपाल यादव जी क्यों इनके पार्टी को छोड़ के जाते, और जाते हुए उन्होंने क्या कहा था कि पिता का चप्पल और जूता उठाते रहे, अब ये कह रहे हैं कि बेटी का भी चप्पल जूता उठाओ, बेटा का भी उठाओ। एक स्वाभिमान से जीने वाला कोई भी बिहारी अपना सम्मान को और स्वाभिमान को नहीं बेच सकता है, ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव का सच है। इन्होंने कहा कि आज एक आपके बगल के जिले की बेटी का
बहू बनकर के लाए थे, इनसे ज्यादा संस्कारित परिवार से आए थे, सभे स्वर्गीय दारोगा राय जी के परिवार से। आपने घर से अपमानित करके किस तरह से जलील करके निकाला, नारी के प्रति आपका क्या सम्मान है। और जो उम्मीदवार वहां आई है वो एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, उस बेटी को बचाने के लिए हृदय के अंदर कोई भावना क्यों नहीं जन्म लिया, क्यों उसके प्रति दया नहीं आई। ये इनकी क्रूरता का, ये इनकी निर्दयता का, और ये नारी के प्रति इनके अपमान के भाव को झलकाता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित कर रहे हैं, विकास की गति को रोक रहे हैं, अब देश के अंदर चार ही जाति रहेगा, एक गरीब का, एक युवा का, एक किसान और एक महिला का। और ये चार जाति का उत्थान और कल्याण हमारा मिशन है। हमने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हमने किया, 370 धारा को हटा दिया। लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति में